करण जौहर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो अपने मन की बात कहने में दोबारा नहीं सोचते, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अपनी बातों को फिल्टर ना करने की आदत की वजह से करण जौहर अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। दरअसल करण जौहर का एक पुराना वीडियो इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुशा कपिला को रिलेशनशिप संबंधित आपत्तिजनक सलाह देते नजर आ रहे हैं। करण जौहर और कुशा कपिला 2019 में सोशल मीडिया स्टार विद जेनिस में एक साथ नजर आए थे, जहां उन दोनों ने अपने जीवन की दुर्लभ जानकारियां साझा की। एक सेगमेंट में करण जौहर ने कहा था कि उन्हें वो कुशा को नंबर एक्सचेंज करना चाहिए और कुशा उन्हें हर तरह की रिलेशनशिप सलाह के लिए कॉल कर सकती हैं। उन्होंने कहा था कि रिश्ते के बारे में वो पहली सलाह ब्रेकअप का देना चाहेंगे। ये एक चौंकाने वाली बात थी, और होस्ट ने यहाँ तक कहा था, क्या तलाक करवा रहे हो? इसी एपिसोड में ये जोड़ी रैपिड फायर का गेम खेल रही थी। होस्ट ने करण से पूछा कि उनका वर्तमान इंस्टाग्राम क्रश कौन है, जिस पर फिल्म निर्माता ने तुरंत कुशा कपिला का नाम लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि साउथ दिल्ली का एक वीडियो देखने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुशा के सभी वीडियोस खूब देखे हैं। रिश्तों के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने खुलासा किया था कि रिश्तों के संदर्भ में वो जो प्रमुख मंत्र अपनाते हैं वो ये है कि सेक्सुअल इनफिडेलिटी बेवफाई नहीं है। ये अपने आप में काफी विवादित बयान था, लेकिन बात तब और बढ़ गई जब कुशा ने करण की बात से सहमति जताते हुए कहा कि वो भी इससे सहमत है। फिलहाल करण जौहर द्वारा कुशा कपिला को दी गई रिलेशनशिप एडवाइस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।